मूसलाधार बारिश की वजह से सोमवार सुबह राजधानी शिमला में भारी तबाही हुई है। समर हिल में भूस्खलन और पेड़ ढहने से मलबे में शिव मंदिर दब गया। अब तक बच्चे समेत 16 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सोमवार को 8 शव निकाले गए थे। मंगलवार को फिर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक कुल मिलाकर 16 लोगों के शवों को बरामद किया गया है। आज अर्चना शर्मा के शव की पहचान हुई है। लगातार अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मंदिर ढह गया था, लोग वहां पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे, जहां पर भूस्खलन की वजह से भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ और जो है मंदिर इसकी चपेट में आ गया। समर हिल में शिमला में बड़ा हादसा हुआ था। अभी भी लोग जो है वहां पे दबे होने की आशंका है। वहां पर लोगों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। और शिमला में इस घटना ने तो दिल दहलाने वाला एक काम किया है, जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। फिर में जो लोग आए थे यहाँ पर, ज़्यादा तो लोग बताए हैं कि यहाँ के लोकल स्थानीय लोग भी, क्योंकि सुबह का समय है तो उस वक्त यहाँ पर पहुँचे थे और घटना घटित हो गई और बहुत सारे लोगों की इसमें जान गई। अभी तक जो सूचना मिली है, जो जानकारी मिली है 12 लोगों की, तो डेड बॉडी इसमें से प्राप्त हुई है और बाकी की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मलबे को हटा करके जल्दी जो है वो ऑपरेशन को पूरा किया। और शिमला के अंदर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ सबसे बड़ा नंबर इस प्रकार से जिनमें मृत्यु हुई है, लेकिन इसी के साथ साथ में शिमला में अलग अलग जगह भी होलन में हुई, हिंदी में हुई, मिला करके ये बहुत बड़ा त्रासदी का दौर हिमाचल इसको मिल रहा है। ऐसे में तो यही कहूँगा कि जो भी परिवार वाले अपने परिवारजनों का इंतजार कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति में, अपने दिल पे क्या गुजर रही हो ये आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। सभी जो लोग जिनकी जिसमें मृत्यु हुई है उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। हो रहे हैं सब लोग लगे हैं इसमें कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हो जाए और परिवार वालों को सारी चीज़ों की जानकारी उसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। समय लग रहा है और लगातार अभी भी देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की बाधा आ रही है, तो ये जगह इस तरह से स्लोप में होना और उसके साथ साथ ऊपर से मौसम के कारण बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास जारी है कि वो मध्य प्रदेश को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राहत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। हम सब सरकार और आज का दिन 15 अगस्त का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस, उसको हम बड़े उत्साह के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज सब सचमुच में पूरे प्रदेश पर मनाइए, पूरे प्रदेश नहीं पूरे सारे देश भर में अलग अलग जगह से बहुत सारे लोगों के फोन आए। राजधानी शिमला में बड़ा हादसा हुआ है, शिव मंदिर ढह गया भूस्खलन की वजह से। अब तक 16 शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। राजधानी शिमला में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है।